ये चिपक चुका है भाई बाइक के, दिख रहा लेकिन ये चेक करो भाई वो दोनों गायब। देख सकते हैं चेन मैंने ना फिलहाल क्लीन कर दिया अपने एंड से, जो कुछ हो पाई सुबह जल्दी जल्दी, तो फिलहाल निकलते राइड के लिए और टाइम भी दिखाता हूँ आपको प्रॉपर कितना टाइम हो चुका है। आज सुबह से मैं जल्दी उठाऊँ और मुझे लगता है सबसे जल्दी आज मैं ही होने वाला हूँ 6:50। जी हाँ, आज एक्यूरेट टाइमिंग को और आज थोड़ा जल्दी उठ गया। चलो चलते अब निकलते राइड के लिए। गाइस देख सकते हैं फिलहाल मैं हाईवे पर आ चुका हूँ और आर्यन भी जस्ट पहुँच ही चुका है। आज ने कहा मैसेज आ रखा था ग्रुप में। अब देख सकते हैं भाई चेन की हालत कैसी है, और स्टार्टिंग में बहुत गंदी हो रखी थी और उसको मैं प्रॉपरली क्लीन करने वाला हूँ। और आर्यन मुझसे 2 मिनट पहले यहाँ पे हाईवे पहुँच चुका था और साथ साथ ना डॉक्टर आलोक भैया का भी कॉल आ गया। और नेक्स्ट दिन चलो पहले फुल खा लेता हूँ ना, तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस मैं वेलकम करना भूल गया था तो मैंने थोड़ा लेट किया है। आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो लेयर ना अलग से एक अलग लेयर बनी है पूरे ग्राउंड के ऊपर फोक की, और क्या अल्टीमेट लग रहा है भाई। ओ भाई सामने देख सकते हो ये गाड़ी किधर से कूद गई है भाई, क्या खत्म सीन हो रखे सुबह सुबह ना गाइस। या तो मैं जल्दी आ गया, 7:10 ही हो यार वैसे सही टाइम पे हूँ, पहली बार भी इसी टाइम पे आया था, लेकिन इतना फोक मैंने पहली बार देखा इस साइड ना, क्योंकि मुझे लगता नहीं यार इस साइड इतना फोक होता हुआ, और आज तो भाई फोक काफ़ी हो रखा है। और सर्दी क्या भयंकर लग रही है भाई, 7:10 हो चुके हैं, 7 बजे का टाइम था, और मुझे लगता है हम सबसे पहले होंगे भाई जिस हिसाब से सर्दी हो रखी है ना। सबसे पहले हम दोनों ही आए और हाथों की ना भाई बैंड बच चुकी है सही में प्रॉपरली भाई। इस बार ना भैया डुकेटी लेके आए और इस बार टैनार नहीं आई है भाई, इटालियन ब्यूटी का एक बार आप लोग देख सकते हैं, दोबारा देखने को मिल रही है कितनी प्यारी लग रही है। गाइस एक बार ना आपको चेक कराता हूँ लास्ट टाइम मेरे साथ क्या इशू हुआ था, सामने देख रहे हो भाई कुछ इसी तरह का सेम लास्ट टाइम हुआ था, और मुझे लगता है भाई बड़ी दिक्कत होने वाली है आज के रास्ते में, तो सबसे पहले आते ना आज एंटी फॉग स्प्रे लेके आना पड़ेगा। गाइस पता नहीं कैमरे में कुछ दिख रहा हो आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये चेक करो भाई, फिलहाल कोल्ड स्टार्ट हो रही है बाइक, और थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तब शायद ओके हो जाएगा। पहली बार देख रहा हूँ भाई ये सर्दी कैसे हो रहा है। सो गाइस फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं, अप्रोक्स 7 मिनट रह चुकी है। सो रेडी टू गो, और भाई हो चुके लॉन्च, अभी थोड़ा दिख रहा है लेकिन मुझे लगता है आगे जैसे हम जा रहे हैं ना तो फो पूरा खत्म सीन होने वाला है। और भैया भी रुके प्रॉपरली भाई, खत्म सीन, वो दोनों गायब कहाँ हैं। धीरे चलाऊंगा मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई कसम से, मुझे लगा फोर्थ गियर में ना एक्चुअली 180-190 के आसपास से रुक जाती है, और फिफ्थ गियर में डाल के भाई कसम से खत्म सीन हो गया, मजा आ गया भाई। ऐसा लग रहा था ना जो विंड मुझे पीछे की तरफ पुश कर रही थी भाई, खत्म कसम से क्या फोर्स आ रहा था विंड का, मजा आ गया भाई, खत्म। फाइनली 5 या 6 महीने और मैं अचीव कर चुका हूँ 200 स्पीड, ओ भाई फुल पावर। कमेंट करके 200 भाई 200 कमेंट कर देना भाई, रोड खाली मिली, रोड सही भी मिली और हमने अचीव कर दिया गोल। एक्चुअली हमें नीचे से जाना था क्योंकि हमें सहारनपुर साइड जाना है, और मैं भूल गया यार, पूछ लेता हूँ एक बार, वापिस चले नीचे से, चलो वापिस चलते हैं, पहली बार इस रूट पे जा रहा हूँ। ओहो गाइस मैं बताना भूल गया हम लोग जा किधर रहे हैं भाई, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर साइड, वहाँ पे कोई माधव ढाबा है, और एक्चुअली हम लोग इस रोड पे इसलिए आए थे भाई क्योंकि ना उस साइड से दूसरी साइड जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे ना फोग काफ़ी ज़्यादा होता था,
तो हमने सोचा इस बार रूट चेंज करें, देखते हैं मे बी इस साइड फोग थोड़ा कम मिले। और इस बार तो ऑलरेडी हम 7:07 ओ तेरी भाई, 7 मिनट के अंदर अंदर हमने 30 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। मजा नहीं आ रहा भाई, रोड बेकार है भैया। सही कह रहे भैया, कह रहे हैं भाई रोड में ना ऐसे बम्प्स है ना कि भाई पूरा देख रहे हो कैसे सेम वही चीज फील हो रही है कि यहाँ ना बहाने का मजा नहीं आने वाला, इससे आगे आएगा। और क्या खतरनाक भगाई है भाई, फुल पावर तबाही वाले सीन थे। मैंने कैमरा बंद किया और सामने देख सकते हो भाई विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और सामने ना कुछ नहीं दिख रहा। पीछे देख लेता हूँ कोई है तो नहीं, कभी पीछे आगे कोई मैक्स अपने पीछे आ रहा है। और भाई क्या खत्म सीन, हाँ फिलहाल अब ठीक हो चुका है दोबारा, तो आगे चलते हैं। और थोड़ा सा फोग भी आ चुका है यार वाइजर के ऊपर और हाथ ना ऐसे फ्रीज आउट हो चुके हैं कसम से। भाई मुझे नहीं पता वो पीछे रुक क्यों गए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं फिलहाल लॉन्ग साइड वापस जा रहा हूँ, हालांकि गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने पार्किंग अपने जो इंडिकेटर्स है वो ऑन कर लिया और मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है और उस साइड कट नहीं था तो मे भी मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए, ओके 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 दिख गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, काफ़ी टाइम लग गया। क्या हुआ? अच्छा चलो बैटरी चेंज कर रहे भाई गोप्रो की। यू चीज चेक करो अभी तो लिटरली टेम्परेचर जो है ना भाई, वो टेम्परेचर यहाँ पे 84 दिखा रहा है, लेकिन मैंने रास्ते में ना जब थोड़ा फोग ज़्यादा हो रखा था तो जब वो रास्ते में फोग दिख रहा था ना तो यहाँ पे टेम्परेचर 72 हो रखा था। और ट्रस्ट मी गाइस, जो भाई 5 मिनट के अंदर 100 का टेम्परेचर टच कर देती है वो आज 72 पे चल रही थी और जो इतनी चल चुकी थी उसके बाद। और ये देखो भाई कैसे हीट ली जा रही है, समझ रहे हो? ये चिपक चुका है भाई बाइक के, ये हाल होता है सर्दियों में। देखो बाइक चल रही थी ना ये 73 था और ये अब थोड़ा बाइक जब बाइक रुक जाती है तो उसका टेम्परेचर जो थोड़ा अपने आप बढ़ने लग जाता है इंजन का। तो देख सकते हैं 73 से 77 हो गया और अभी शायद और भी बढ़ेगा ये। तो मुझे लगता है जो 85 वहाँ पे खड़ी बाइक का था ना तो इसीलिए हो रखा था कि बाइक रुकने बाद जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक बढ़ गया था इसका। देख लो भाई कैसे बढ़ रहा, 79 हो गया और अभी दोबारा चलने वाला है तो फिर इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाए, 80 हो गया। हाँ भाई वो खड़ी बाइक का था। ओहो सही में कुछ नहीं दिख रहा भाई, ओहो मेरे सामने नहीं है, तेरे सामने ही फोग है भाई। गोप्रो का चेक करो पूरा ना, सबके गोप्रो कैसे हो रखे हैं, मेरा भी हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है, दिख नहीं रहा कुछ, सबका हो रखा है। इस फिलहाल यहाँ पे रुक चुके हैं मन्नत ढाबा और यहाँ पे करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह और लाइन आप देख सकते हैं। और हमसे ज़्यादा ना भैया के चेहरे पर खुशी है वो कह रहे हैं मस्त बाइक है और भाई काफ़ी अच्छी राइड रही यहाँ तक, लेकिन भाई हाथ ना पूरे फ्रीज हो चुके हैं, इतनी सर्दी ना कसम से पहली बार लग रही है बाइक पर। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं हम अपना ब्रेकफास्ट और यहाँ पे ना थोड़ा मौसम क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं सूरज पूरा सामने पूरा क्लियर दिख रहा है और बीच में रास्ते में इतना फोग था, आप लोगों ने अभी देखा ना भाई क्या बुरा हाल हो रखा था। परांठे आ चुके हैं, परांठे पेलने हैं, बाइकें पेल चुके हैं तो परांठे पेलने की बारी है। ऑलराइट गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भाई सबसे पहले जो अपना टास्क है ना ये देख रहे हो जो ब्लिंक कर रहा है लाइट का मीटर, अपना फ्यूल इंडिकेटर, उससे पता लग रहा है भाई बाइक रिजर्व में चल रही है और जो रेंज है 48 किलोमीटर है। तो सबसे पहले अपना जो टास्क है वो है पेट्रोल पंप का। सो गाइज फाइनली फ्यूल मिल गया और ज़्यादा नहीं डलवाया भाई, पावर नहीं था तो मैंने फिलहाल 5 लीटर डलवाया 500 रुपये का। ओ भाई पैराशूट बन गया बैग का, पावर पावर। वैसे तो अभी तेल काफ़ी है, 91 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। गाइज अभी ना हम लोग फिर आगे निकल गए दोबारा, चुटमलपुर वाला जो कट था वो पीछे की साइड है 7 किलोमीटर और आलोक भैया फिर जाते हुए वापिस जाते हुए बड़ी तेज़ी से निकल गए, हालांकि मैं पेट्रोल डलाने दोबारा रुक गया था। करो आलोक भैया मिसिंग है भाई, अरे आलोक भैया पता है अब मेन चेक करता हूँ कि आलोक भैया कहते चुटमलपुर वाले रास्ते से आना है, अब यहाँ पे कट है यहाँ वो रुके नहीं ना, मैंने कॉल की उठाई नहीं उन्होंने। दो जीनोसो की साउंड बाइक खतरनाक, तबाही तबाही रोड पे तबाही। ओहो भाई साहब क्या फुल पावर तबाही मचा रखी हम लोगों ने कसम से, खतरनाक राइड। ओहो
अभी आगे रुकते हैं थोड़ा और थोड़ा एक दो वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। हालांकि बाइक गंदी हो रखी है काफी। अभी जस्ट ना हम यहाँ पे आए हैं और ये रुड़की की एंट्री है बेसिकली। और साउंड देखो भाई, लगभग आधा किलोमीटर दूर है बाइक, लेकिन साउंड अच्छे से आ रही है प्रॉपरली। तो मैं सोचा था यहाँ पे ना एक दो वीडियो बनाए। और भाई टायर कैसे हो रखे देख रहे हो, पूरा ब्लैक है। यहाँ पे लीन नहीं होती तो साइड से पूरा प्रॉपर दिख रहा है। और देखो भाई, और वो चेक करो मैक्स जी दोस्तों। ठीक है भाई जी, ओके भाई जी, थैंक यू भाई जी, आप लोग भी आराम से आना। ओके भाई जी, तो भाई मैक्स भाई निकल रहे हैं यहाँ से अपना शिवाई नगर, और मैं और अरे निकल रहे हैं यहाँ से सीधा। ठीक है, ओके अरे भाई मिलेंगे जल्दी, शाम को मिलते हैं मैं भी। तो भाई फिलहाल हरिद्वार पहुँच चुके हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक और कमेंट कर देना, साथ साथ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड लव यू ऑल गाइस, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। और भाई आज ना सबसे बड़ी बात, भाई काफ़ी लोग बोले थे दोस्तों, मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि दोस्तों ना कुछ लोग क्या करते हैं, लेते ही नई बाइक लेते ही 200 टच कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, जब तक मुझे ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक मुझे लगता है सामने रोड सेफ नहीं है, तब तक मैं उसको उस लेवल तक नहीं लेके जाना जहाँ तक मुझे लगता है भाई अनसेफ है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद स्पीड, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है।